Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. You are watching Solve and Simplify. Please press the subscribe button and the bell icon right next to it and give it a thumbs up if you like my videos. In this video, I am going to start exercise 1.2. So, in exercise 1.2, uh, let's have a look at the question number one, which is

ठीक है देखते हैं हमें नज़र आ रहा है कि इसके एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो जीरो हैं अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो हो तो क्या आपने किसी ऐसा मैट्रिक कोई ऐसा मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिस में पढ़ा था जी बिल्कुल हमने ऐसा मैट्रिस लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिस में और वो कौन सा था एग्जैक्टली दिस इज नल मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या है एक नल मैट्रिक्स ठीक हो गया सो इन क्वेश्चन नंबर वन ए इज़ आ नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ज़ीरो क्योंकि ए मैट्रिक्स की सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हैं जिसकी वजह से हम इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं या इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं मूविंग टूवर्ड्स अ बी मैट्रिक्स बी एज वी कैन सी दैट बी इज़ अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड थ्री कॉलम्स अब हमारे पास बी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ वन है और नंबर ऑफ़ कॉलम वो थ्री हैं अब अब ज़रा फिर से प्रीवियस वीडियो में जो हमने डेफिनेशंस की टाइप्स ऑफ मैटिस किए उनमें देखें क्या कोई आपने इस तरह का मैट्रिक्स देखा अगर देखा तो उसका क्या नाम था क्या आपके पास कोई ऐसी डेफिनेशन थी कोई ऐसी टाइप थी कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ सिर्फ एक ही होने चाहिए जी बिल्कुल हमने ये पढ़ा है और ये इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स इफ़ देर इज़ अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो वी कैन से दैट द मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स सिंस बी इज़ हैविंग ओनली वन रो सो बी इज़ अ रो मैट्रिक्स मूविंग टुवर्ड्स सी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जस्ट वन जस्ट वन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर थ्री ठीक है अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है कोई भी मैट्रिक्स है और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक है तो क्या जैसे हमने रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था क्या हमने कुछ ऐसा मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है कि जिसकी कॉलम्स की एक हो तो उसको क्या कहते हैं जी हाँ उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स ठीक हो गया सो वी कैन से दैट सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स वाई बिकॉज सी हैज़ ओनली वन रो सॉरी वन कॉलम सिंस सी हैज़ ओनली वन कॉलम सो वी कैन से दैट सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स

इस मैट्रिक्स का नाम था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही ये कहती है कि उसमें ऐसा सुकेयर मैट्रिक्स ऐसा मै, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो है हमारे पास डायग्नोटीज वो वन हो और नॉन डायग्नानिटीज जीरो हो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं सो वी कैन से दैट डी इज एन आइडेंटी मैट्रिक्स मूविंग टूवर्ड्स ई मैट्रिक्स इन ई मैट्रिक्स वी कैन से दैट वी कैन सी दैट देयर इज ओनली वन एलिमेंट सिंस दे इज़ वन रो एंड वन कॉलम बट द एंट्री जो हमारे पास यहाँ है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है एक ज़ीरो है तो फिर नल मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो हमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू नल मैट्रिक्स डेफिनेशन इफ़ देर इज़ अ मैट्रिक्स विद जीरो एंट्रीज़ ऑल जीरो एंट्रीज उसे हम कहते हैं वो नलमेटिक्स हैं और यहाँ जो मैटिक्स है फिर इस लिहाज से फिर ये भी क्या होगा एक नल मैट्रिक्स ही होगा सो वी कैन सेट ई इज़ अ नलमेटिक्स या हम इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं नेक्स्ट एफ़ हमारे पास मैट्रिक्स है और जैसे कि हमने अभी सी मैट्रिक्स को सोल्व किया है सी मैट्रिक्स को सोल्व करने के बाद हमें इतना आइडिया हो गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ़ एक कॉलम कंसिडरसिस्ट करता है तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं सो जस्ट लाइक सी दिस मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मैट्रिक्स सो एफ इज़ अ मैट्रिक्स We have solved question number one, all the parts of question number one, and we identify which of these matrices are unit matrices, row matrices, column and a null matrices. Now moving towards the second question. In second question, we have to identify square matrices, rectangular matrices, row matrices, column matrices, identity, identity matrix and a null matrices. ओके okay, हमें अब जो नीचे दिए गए नो मैट्रस हैं इन मैट्रसिस में से देखना है कि कौन कौन से इन टाइप्स में आते हैं या इन टाइप्स में के मैट्रस जो हैं वो कौन कौन से हैं नीचे दिए गए मैट्रस में से सो स्टूडेंट्स इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई सुकेयर मैट्रेस फॉर्म द गिवन मेट्रसिस अब आपको सुकेयर मैट्रसिस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सुकेयर मैट्रसिस होते कैसे हैं किन मैट्रिसेस को हम सुकेर मैट्रिसेस बोलते हैं जी तो कैसे मैट्रिसेस सुकेयर मैट्रिसेस कहलाते हैं ऐसे मैट्रिसेस जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों बराबर हों सो इफ देयर अ मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वी कैन दैट द मैटिसर मैट्रिक्स क्लियर हो गया अब आपने उसी के अकॉर्डिंग इन मैट्रसज में से देखना है कि ऐसे कौन कौन से हैं जिनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं वो एक जैसे हैं तो हम फिर उन्हें कहेंगे वो स्क्वायर मैट्रेसिज हैं फर्स्ट पार्ट में हमने देखा नंबर ऑफ रोज़ आर टू एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर थ्री सो दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स थ्री बाई वन दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन इन पार्ट थ्री द टू रो एंड टू कॉलम्स वी कैन से दैट पार्ट थ्री इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इसके अलावा हम देखते हैं थर्ड uh, पार्ट के अलावा हम देखते हैं क्या कोई और मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है इन पार्ट फोर वी सी दैट देर इज़ अ मैट्रिक्स विद टू रोज एंड टू कॉलम्स सो दिस इज़ ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है अब इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी हाँ ये बिल्कुल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये एक सुकेयर मैट्रिक्स भी है ठीक है तो आप इसको एक सकेर मैट्रिक्स अगर है प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो आप उसको बताएंगे कि हाँ जी एक, एक सुकेयर मैट्रिक्स भी है अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पूछेगा तो आप कहेंगे हाँ जी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है बिकॉज इट होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटी मैट्रिक्सिस क्लियर सो वी कैन से दैट दिस इज़ एन आइडेंटिटी और अ मैट्रिक्स बोथ ऑफ मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है सो दिस इज एम एडेंटी मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो अ सुकेयर मैट्रिक्स मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पार्ट विच इज़ a matrix of मैट्रिक्स ऑफ थ्री बाई टू this is not a square matrix. In part 6 there is one row three columns, this is also not a square matrix 3 by 1 no 3 by 3 But in part 8 we see that this matrix has three रोज and three कॉलम्स so this is a square matrix because it have equal number of rows and columns. ठीक हो गया अब हमारे पास third part, fourth part और एट्थ पार्ट जो है वो एकर मेट्रिस हैं नाइन्थ को देखते हैं जी थ्री व टू है तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक स्केर मेटिस नहीं है सो वी कैन से दैट द स्क्र मेट्रिस आर पार्ट वन पार्ट सॉरी पार्ट थ्री पार्ट फोर एंड पार्ट एट सो सो कैन मैट्रिक्स हमारे पास आ गए जिनका ऑर्डर जिनका सॉरी रोज और कॉलम जो थे वो क्या थे सेम थे इनको हमने इस तरह से लिख लिया सेकेंड पार्ट में हमें देखना है कि इन्हीं मैट्रिस में से रेक्टेंगुलर मैट्रस कौन कौन से हैं ओके एज़ यू हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिटी रेक्टेंगुलर मैट्रसिस रेक्टेंगुलर मैट्रसिस की डेफिनेशन में हमने देखा कि एक मैट्रिक्स अगर उसकी रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं हैं वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा ठीक है बराबर होती हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर नहीं होती तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है अब नीचे दिए गए मैट्रिस में से देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से मैट्रिस हैं जिनका ऑर्डर जो है नंबर ऑफ रोज जो है उनको नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है फर्स्ट पार्ट देखा थ्री बाई टू है हाँ जी यहाँ पर रोज दो हैं जबकि कॉलम थ्री हैं तो वी कैन से दैट दिस द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पार्ट टू में देखा थ्री रोज वन कॉलम दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स थ्री पार्ट नहीं है बिकॉज इसका तो रोज और कॉलम बराबर है इसके भी नहीं है हाँ जी थ्री बाय टू इसके भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वन बाय थ्री सॉरी ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ओके हाँ जी पार्ट सिक्स में हमने देखा तो वन बाय थ्री तो पार्ट सिक्स जो है ये भी एक एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है सेवन थ्री बाय वन इसका भी नहीं और को नंबर ऑफ कॉलम्स और, और सेम तो ये भी एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड दिस वन इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ठीक हो गया अब हमने देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से थे जिनके सब के सब के रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं थे जैसे इसमें भी इक्वल नहीं थे इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें और इसमें भी बिल्कुल नहीं थे तो ये सारे के सारे हमने कह दिए कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रस हैं अगेन यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज के हमारे पास ये तो एक कॉलम मैट्रिक्स है ये रो है और ये तो नल है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रस में किस तरह से आ गया आर दे नॉट होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स

ओनली वन रो इन नैट्रिक्स नमेट्रिक्स विल वी नाउन ऐसा रो मैट्रिक्स अब दिए गए मैट्रिक्स जैसे देख लेते हैं ऐसा कौन कौन सा मैट्रिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है नॉट 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 इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है हाँ जी ये एक मैट्रिक्स है जिसमें देर इज़ ओनली वन रो सो पार्ट सिक्स जो है ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक रोमेटिक्स है तो हमने बता दिया कि हमारे पास जो रोमेट हैं वो ये है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है उसके बाद हम देखते हैं कॉलामेटिक्स हाँ जी कोलामेटिक्स की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होती हैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स हाँ जी क्या इसमें एक कॉलम है नहीं तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है क्या इसमें एक कॉलम है जी हाँ तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है नेक्स्ट देखा क्या इसमें एक कॉलम है नहीं इसमें एक है नहीं इसमें भी एक नहीं है इसमें भी एक नहीं है और हाँ इसमें एक कॉलम ही है तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है इसमें भी एक नहीं है और इसमें भी एक नहीं है मोर देन वन है तो यहाँ पे हमारे पास, पास पार्ट थ्री और, और पार्ट सेवन ऐसे सॉरी सॉरी पार्ट टू और पार्ट सेवन ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम क्या कहते हैं कॉलम मैट्रिसेस ओके बी क्लियर अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सो कॉलम मैट्रिसेस आर दिस एंड दिस ओके नेक्स्ट इन पार्ट फोर वी हैव टू आइडेंटिफाई आइडेंटिटी मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस को भी हम अगेन रिपीट कर चुके हैं इन क्वेश्चन नंबर वन में ऐसे मैट्रिसेस जिनकी डायग्न एंट्रीज क्या हो वन हो प्रिंसिपल एंट्रीज और नॉन एंट्रीज क्या हो जीरो हो तो वो मेट्रिस आइडेंटी या यूनिट मैट्रिक्स के लाते हैं तो क्या ये है मैट्रिक्स नो no, ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है सो के होना चाहिए मैट्रिक्स और वो जो आइडेंट उसकी यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए ये है ये मैट्रिक्स है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी और ये भी नहीं है सो देर इज ओनली वन मैट्रिक्स इन क्वेश्चन नंबर टू देर इज ओनली वन आइडेंटी मैट्रिक्स दिस वन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हमें देखते ही पता चल जाएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी वो नल मैट्रिक्स होगा इसकी भी सारी जीरो नहीं है इसकी भी इसकी भी इनमें से भी किसी की नहीं है इनमें से भी हाँ जी ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं सो वी कैन से दैट दिस इज अ नल मैट्रिक्स ओके moving towards the question number 3 in which we again have to identify diagonal scalar and unit or identity matrices so students do you have any idea about diagonal scalar and unit matrices if you have any idea about these types of matrices you can easily identify which of the following is a identity scalar or diagonal matrix okay सो इन ए पार्ट वी सी दैट देर इजा मैट्रिक्स विद डायगैनज़ 4 एंड नॉन डाइंग 0 तो क्या ऐसा मैट्रिक्स आपने पढ़ा था कि जिसमें डायंगट्रीज जो हैं वो सेम हो वन के अलावा है ये ठीक है और ज़ीरो के भी जीरो भी नहीं है जीरो और वन के अलावा है कोई और नंबर है फोर है और नॉन डायगन वो ज़ीरो हैं तो ऐसा मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे ऐसे मेट्रिक्स को हम स्केलमेट्रिक्स बोलेंगे लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के साथ होने के साथ साथ ये एक डायगनल मैट्रिक्स भी है क्यों डाइग्नल मैट्रिक्स है क्योंकि ये डायगनल डाग, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है डायग्नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी पीछे पढ़ चुके हैं है हम ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज में से एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो हाँ जी बोथ ऑफ भी नॉन जीरो हो सकती हैं ठीक है ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो लेकिन मस्ट है कि एक हो नॉन ज़ीरो हो तो अगर दो नॉन जीरो हैं तो तो भी कोई बात नहीं लेकिन ऑलरेडी डायनोल जहाँ वो जीरो होने चाहिए तो हम कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स भी है स्केलर मैट्रिक्स भी है ओके सो ए मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड इट इज ऑल्सो मैट्रिक्स, ओके इन पार्ट बी वी सी दैट देयर इज अ मैट्रिक्स विद डायटीज टू माइनस वन एंड नॉन डाइगनेटीज जीरो अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी एंट्रीज वन भी नहीं है वन के अलावा भी नहीं है और ये जो है क्या हैं डिफरेंट हैं लेकिन इसकी नॉन डाइगनल एंट्रीज जो है वो जीरो हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ डाइग्नल मैट्रिक्स सिंस इन डाइग्नल एंट्रीज यहाँ पे हमारे पास जीरो नहीं है ठीक है और डिफरेंट है ये तो हम कह सकते हैं कि बी इज़ अ डाइग्नल मैट्रिक्स ओके इन पार्ट सी वी सी दैट देर इज अ मैट्रिक्स विद डाइगनल एंट्रीज वन एंड नॉन डाइगनल ज़ीरो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आइडेंटी मैट्रिक्स वी कैन ईजिली से दैट सी इज़ आइडेंटि मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स या इसको आइडेंटिटी बोलेंगे या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे और इसी के साथ साथ ये एक डायग्नल मैट्रिक्स भी है अगेन रिपीट कर दूँ मैं कि हर आइडेंटिटी और हर स्केलर मैट्रिक्स हर आइडेंटिटी और हर स्केलर मैट्रिक्स डायग्नल मैट्रिक्स होता है बट हर डायग्नल मैट्रिक्स जो है ना वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होता उसके बाद हमें डी पार्ट देखा डी में हमारे पास अगेन यहाँ पे डायगन है थ्री जीरो है और ये नॉन डाइगन जीरो ज़ीरो है तो देखते हैं हमें नज़र आ रहा है भैया ये क्या, क्या है एक डायगनल मैट्रिक्स है ठीक है दो दिन का गैप इसलिए भी आया है वीडियो अपलोड ने मैंने की ताकि आप जो इसके टाइप्स हैं मुझे पता था कि ज़्यादा है, हैं बारह टाइप्स हमने कल पढ़ी थी तो अगर आप उन्हें अच्छी तरह मतलब टाइम लेना चाहिए था आपको तो मैंने कहा कि आप उसे अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें अच्छी तरह से याद कर लें उसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगी तो आप उसे इजिली अटैम्प्ट कर लेंगे अगर आपने डेफिनेशन कर ली थी याद तो आप बड़ी आसानी से इनकी टाइप्स को बता सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है ये कौन सा है और ये कौन सा है ठीक है सो वी कैन ईजिली से डैट डी इज़ अ मैट्रिक्स ओके डी इज़ अ मैट्रिक्स मूविंग टवर्ड्स ई ई मैट्रिक्स को पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा आफ्टर सोल्विंग ई मैट्रिक्स वी कम्स टू नो दैट ई मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज द डायगनल एंट्रीज आर सेम सिंस द टू टू एंड नो जीरो सो वी कैन से दैट ई इज़ आ स्केलर मैट्रिक्स लेकिन स्केलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये एक डायंगन मैट्रिक्स भी है ओके इन क्वेश्चन नंबर फोर इन क्वेश्चन नंबर फोर वी हैव टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ गिमन मैट्रिक्सिस क्वेश्चन नंबर फोर में हमें कहा गया है कि आपके पास कुछ मेट्रिस हैं आपने इनके नेगेटिव फाइंड करने हैं इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द नेगेटिव ऑफ़ अ मैट्रिक्स हमें हमने देखा कि हम किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं हाँ जी क्या डिस्कस किया था हमने उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं जब आप उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे तो फिर जो आपका मैट्रिक्स मिलेगा वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा ए का नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए है और वो कब हासिल होगा जब हम ए मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे पॉजिटिव वन चेंज हो नेगेटिव वन में ज़ीरो को जीरो ही रखेंगे और माइनस वन जो है वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव वन में ओके okay? जीरो को चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ये ना तो एक पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे उसके बाद हमारे पास है बी बी मैट्रिक्स में भी हमें क्या फाइंड करना है नेगेटिव सेम एज हमें जैसे हमने ए का फाइंड किया उसी तरह बी का नेगेटिव माइनस बी और इस मैट्रिक्स को फाइंड कैसे करेंगे बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ मैट्रिक्स बी माइनस थ्री टू माइनस टू माइनस वन को पॉजिटिव वन में चेंज कर दिया वन को माइनस वन में मूविंग टुवर्ड्स द सी मैट्रिक्स इन सी मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज आर पॉजिटिव बट इन अ नेगेटिव सी ऑल द एंट्रीज विल बी नेगेटिव नेगेटिव हो गई तो इस तरह से हमें सी का नेगेटिव मैट्रिक्स मिल गया इन पार्ट डी वी हैव डिफाइंड द नेगेटिव ऑफ डी मैट्रिक्स हो डी का नेगेटिव मैट्रिक्स नेगेटिव डी से डिनोट किया जाएगा और वो कैसे हमें हासिल होगा अगर हम डी मैट्रिक्स के साइन की एंट्रीज़ के साइन चेंज करते हैं नेगेटिव वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे तो आप इस तरह से इसका नेगेटिव फाइंड कर लेंगे इसी तरह से ई मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर लेंगे ठीक है कैसे करेंगे पॉजिटिव वाले एंट्रीज को नेगेटिव में चेंज कर देंगे नेगेटिव को पॉजिटिव में और फिर पॉजिटिव को नेगेटिव में तो आकर जो है वो ई e का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा ई e का नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ई ओके मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी अगर आपने कल जो प्रीवियस वीडियो थी उसकी उसमें डेफिनेशन को अच्छी तरह सुना होगा और वो आपको याद हुई होगी तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं बगैर मतलब मेरे बताए भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है आडेंटी मैटिक्स क्या होता है स्केलर क्या होता है डाइनल तो देखते ही हम आसानी से बता सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इन गिवन मैटिसटिक्स इज अ डाइनल स्केलर और आइडेंटिटी या कुछ भी इसी तरह तो नेगेटिव नेगेटिव मैट्रिक्स की भी हम निकल पढ़ी थी किस तरह से फाइंड करते हैं तो हमने क्वेश्चन नंबर फोर में बिल्कुल उसी को यूज़ किया है और नेगेटिव मैटिस फाइंड किए हैं बट इन क्वेश्चन नंबर फाइव वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैटिस और ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों कल हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें दिए गए मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना पड़ता है ठीक है या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना पड़ता है ऐसा ही है? आपको आपके पास दो चीज़ें हैं आप दोनों में से कोई एक कर लें दूसरी खुद ब खुद हो जाती है रोज को कॉलम में चेंज कर लें आप या कॉलम्स को रोम में चेंज कर लें ठीक है तो फिर आपको जो मिलेगा ना वो ट्रांसपोज होगा आपके दिए गए मैट्रिक्स का अब देखते हैं नीचे किस तरह से ट्रांसपोज फाइंड करना है ए मैट्रिक्स है हमारे पास जीरो वन माइनस टू ठीक है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है कैसे फाइंड करेंगे ये हमारे पास एक कॉलम है ना इसको रो में चेंज कर देंगे ठीक है कॉलम एक है तो ये रो में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे जो हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल गया इन द फॉर्म ऑफ ए टी इस तरह से हमें जाहिर करना है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इन मैट्रिक्स बी देट इज ऑनली वन रो क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज लेना है तो रो को कॉलम में चेंज कर दे ठीक है रो को कॉलम में चेंज कर दिया हमने तो ये हमें बी का ट्रांसपोज मिल गया इन सी मैट्रिक्स देयर थ्री रोज एंड टू कॉलम्स अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बेशक रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दो या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो चॉइस इज योर्स ठीक है अब ट्रांसपोज इसका सी का किस तरह से आएगा सी टी की शक्ल में कैसे आएगा बेशक रो वन टू को कॉलम बना दो या बेशक वन टू थ्री कॉलम को रो बना दो ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा ठीक है हमने क्या किया कॉलम रोज़ को कॉलम्स बना दिया वन टू था वन टू कॉलम बन गया टू वन टू माइनस वन एक रो थी कॉलम बन गई थ्री जीरो एक रो थी इसको भी हमने कॉलम बना दिया तो इस तरह से हमें ये एक ट्रांसपोज मिल गया आप एक काम करते हैं दूसरा आपका ऑटोमेटिकली हो जाता था ठीक है आपने अभी रोज़ को कॉलम में चेंज किया था ना लेकिन देखें आपके कॉलम ऑटोमेटिकली जो है वो रोज में चेंज हो गई है ठीक हो गया इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है डी पार्ट में उसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है और बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे बाकी थ्री पार्ट्स का किया है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे जीरो फाइव रो है उसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे इन्हीं पार्ट वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ई सेम टेक्निक है रो को कॉलम में चेंज कर दिया रो को कॉलम में चेंज कर दिया इसी तरह एफ पार्ट में भी क्या किया हमने उसका ट्रांसपोज लेना है क्या करेंगे उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे वन टू एक रो थी उसे हमने कॉलम में चेंज कर दिया थ्री फोर इज ऑल्सो अ रो एंड वी चेंज इट इंटू अ कॉलम टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ एफ एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स मूविंग टूअर्ड द क्वेश्चन नंबर सिक्स इन विच वी हैव टू वेरीफाई ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज रिक्वेस्ट ए यानी कि हमें अगर ए मैट्रिक्स दिया है हमें इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और वो बराबर ए के ही आना चाहिए ये हमें वेरीफाई करना है ठीक है हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है ठीक है अब ए मैट्रिक्स का पहले तो हमें क्या लेना है भाई ट्रांसपोज ले लेते हैं ठीक है, है. ट्रांसपोज लिया रो को कॉलम में चेंज किया ये भी स्ट्रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया वेरिफिकेशन में हमें टू टाइम्स का ट्रांसपोज लेना था वन टाइम हम ले चुके हैं अब इसी मैट्रिक्स ने इसका ट्रांसपोज लिया है इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ठीक है अब इस मैट्रिक्स में जो रोज हैं उनको कॉलम बना देंगे ठीक है वन जीरो रो थी कॉलम बना दिया टू वन एक रो थी कॉलम चेंज कर दिया तो अब आपने देखना है कि भई ये जो मेरे पास ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स आया है क्या ये वाकई ही है कि कॉल है देख लेते हैं वन टू वन टू ज़ीरो वन जीरो वन जी हाँ ये बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू ए तो इस तरह हमने वेरीफाई कर लिया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वाकई ए के बराबर ही आता है अब इसी तरह हमें बी के लिए भी वेरीफाई करना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर आए ठीक है बी मैट्रिक्स गिवन था हमने क्या किया उसका ट्रांसपोज ले लिया कैसे लिया उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज करके ठीक है कर दिया चेंज अब उसी दिए लिए गए ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं ठीक है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है उसी मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे फिर क्या करेंगे इस वाली रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे वन जीरो रोज थी कॉलम में चेंज कर दिया ये हमारे पास लेफ्ट साइड में हमें रिक्वायरमेंट थी हमने कर लिया अब सोल्व कि बी ट्रांसपोर्ज का ट्रांसपोज ले लिया जी ले लिया अब देखें वो जो मैट्रिक्स आपको हासिल हुआ है क्या वो बी के बराबर है देख लेते हैं वन 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 टू जीरो टू ज़ीरो तो क्या ये बी के बराबर है जी हाँ यहाँ जो मैट्रिक्स हमें मिला है वो बी के ही बराबर है सो वी कैन से दैट दिस इज़ इक्वल टू बी एंड दिस इज़ हाउ वी वेरीफाई दैट बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसफोज बराबर आता है बी के और इसी तरह क्वेश्चन सिक्स के साथ हमारी एक्सरसाइज़ वन पॉइंट टू भी कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी समझ आ गई है तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है प्रैक्टिस के साथ साथ आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को भी प्रेस करना है और वीडियोज़ को लाइक करना है और शेयर भी करना है ठीक हो गया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़